प्रीति अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर आज ही विलायत से लौटी थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम सी हो गई थी। वो अपने बंगले की गैलरी में अपने बंगले के आसपास के दृश्य का मजा ले ही रही थी कि तभी उसकी नजर घर के सामने खड़ी दो लड़कियों की ओर गई। वो दोनों उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। प्रीति बड़ी हैरान थी कि वो तो आज लगभग पहली बार अपने इस बंगले में आई है, तो ये दोनों आखिर कौन हैं? पर उन दोनों के बारे में एक और अजीब सी बात प्रीति को हैरान कर रही थी। वो अजीब बात ये थी कि उन दोनों लड़कियों के सर आपस में जुड़े हुए थे। प्रीति को लगा कि सफर की थकान कुछ ज्यादा ही उसके दिमाग पर चढ़ गई है और थोड़ा फ्रेश होने के लिए वो नहाने चली गई। कुछ आधे घंटे बाद ही प्रीति नहा धोकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और कुछ देर आराम करने को आंखें मूंदने को ही थी कि तभी उसे लगा कि सामने बिस्तर पर रखी सफेद चादर हवा में तैर रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चादर की तह खोलकर उसे सर से पांव तक पहन लिया है और कमरे में टहल रहा है। ध्यान से देखा तो कोई एक नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे दो लोग हैं। प्रीति हैरान थी। वह विलायत से पढ़कर आई थी तो वो भूत प्रेत वगैरह जैसी दकियानुसी बातों में बिल्कुल नहीं मानती थी। आज के युग में ये सब बातें उसे कोरी गप ही लगती थी, पर जो आंखों से दिख रहा था उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता था। तभी उसे सीढ़ी से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। ये और कोई नहीं, उसकी माँ रेवती ही थी। प्रीति अपनी माँ रेवती यानी उस रियासत के राज परिवार की दूसरी बहू जिनसे मनीष राज ने अपनी पहली पत्नी रजनी की अचानक हुई मौत के बाद शादी कर ली थी, उनकी इकलौती बेटी थी। प्रीति सिर्फ 3 या 4 साल की रही होगी जब उसकी माँ रेवती ने उसे देश के बाहर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने और पढ़ने भेज दिया था। ऊपर आते ही प्रीति ने देखा कि उसकी माँ बुरी तरह घबराई हुई है। इससे पहले कि प्रीति कुछ पूछे उसकी माँ बोली, चल बेटा जल्दी से खाना खा ले, यहाँ सब 8-8:30 तक सो जाते हैं। पर माँ मुझे तो अभी अपना सामान अनपैक करना है और कुछ पढ़ना भी है, प्रीति ने जवाब दिया। बेटा तुझे जो करना है सुबह उठकर करना, जल्दी से नीचे खाना खाने चल। और ये कहते हुए रेवती प्रीति को लगभग खींचते हुए अपने साथ नीचे ले गई। प्रीति ने अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने के लिए वापस ऊपर अपने कमरे में आने लगी तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें नीचे ही सोना है। पर मेरा कमरा तो ऊपर है ना माँ, मैं ऊपर अपने बिस्तर पर सो जाऊंगी और आप चिंता मत कीजिए, 8:30 से पहले मैं पक्का सो जाऊंगी। उसकी ये बात सुन उसके पिता मनीष राज गंभीर हो उठे और बोले, नहीं बेटी तुम ऊपर नहीं सो सकती, आओ यहाँ हमारे पास आओ। और इसके साथ ही वो उसे अपने साथ नीचे अपने कमरे में ले आए। वहाँ जो प्रीति ने देखा उसे देख वो बुरी तरह कांप गई। नीचे उन सब के सोने के लिए अलग अलग 3 कब्रें थीं। उनमें से तहखाना नुमा एक कब्र का दरवाज़ा खोल मनीष राज ने उसे नीचे कब्र में लगा बिस्तर दिखाया और बोले, तुम्हें यहाँ सोना होगा हमारे साथ, देखो हमारे बिस्तर भी यहीं हैं, इन कब्रों के दरवाज़ों में छोटे छोटे छेद हैं जिनसे तुम्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आओ सब सो जाएं, रात बढ़ती जा रही है। प्रीति की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, कोई जिंदा इंसान इस तरह से जमीन के नीचे कब्रों में भी सोता है? अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे
एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ कई सवाल उभरे, पर शायद उनके जवाब जानने का समय नहीं था। उसकी मां ने लगभग उसे धकेलते हुए उसकी कब्र में उतार दिया और दरवाजा बंद कर उसके माता पिता दोनों अपनी अपनी कब्रों में सोने के लिए उतर गए। आखिर क्या था जमीन के नीचे बने इन कब्रनुमा बिस्तरों का राज? क्यों ये पूरा परिवार इन कब्रों में सोने को मजबूर था? घोर असमंजस यानी कंफ्यूजन की स्थिति थी। साथ ही उसके कमरे में तैरती चादर पहनकर टहलते बच्चे, ये दर्दनाक चीख और कब्र का बिस्तर, इस सब ने उसे इतना थका दिया था जितना कि वो पूरे सफर में नहीं थकी थी। कुछ ही देर में प्रीति को लगा जैसे उसकी कब्र में चारों ओर से खून भरना शुरू हो गया है। चारों ओर से रिस रिस कर कब्रनुमा बिस्तर में खून टपक रहा है और उसे भरता जा रहा है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं और वो चाह कर भी हिल नहीं पा रही। खून टपक टपक कर उसके बाल, कपड़े, बल्कि उसका पूरा बदन लाल कर दे रहा है। यहाँ तक कि उसके नाक, कान और मुंह से उसके अंदर घुसना शुरू हो गया है, पर उसके मुंह से चाह कर भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही। प्रीति छटपटा रही थी, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ बाहर कहीं से आती चीखों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। प्रीति को लगा जैसे एक ही पल में उसकी जान निकल जाएगी कि तभी एक झटके से उसकी आंख खुल गई। ये और कुछ नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला एक भयानक सपना ही था। प्रीति ने सर से पैर तक खुद को छू कर देखा तो वो पसीने से तर बतर थी, पर खून का नामो निशान नहीं था। इतने में रेवती ने उसके कब्रनुमा बिस्तर का पल्ला खोला और उसे बाहर निकाला। घबराई हुई प्रीति रेवती के गले से लग फूट फूट कर रो पड़ी। क्या तुमने चारों ओर से खून रिसता हुआ देखा? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे शरीर के पोर पोर से वो तुम्हारे अंदर दाखिल हो रहा है? रेवती ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ माँ, पर आपको कैसे मालूम? प्रीति ने हैरान होते हुए सवाल किया। इस रियासत में रहने वाला हर बाशिंदा हर रात अपने कब्र के बिस्तर पर लेटा एक ही सपना देखता है बेटी, पीछे से प्रीति के पिता मनीष राज की आवाज़ सुनाई दी। यही दर्द भरा सपना हमारी फूटी किस्मत बन चुका है। हम सब के सब इस खूनी सपने के कैदी बन चुके हैं और जीते जी हमारा इससे निजात पाना नामुमकिन है। मायूस सी आवाज़ में अपनी बात ख़त्म कर मनीष वहाँ से चले गए। प्रीति रात को ही कई सवाल लेकर अपने बिस्तर पर गई थी और रात ने उसे आराम की नींद देने के बजाय उसके दिन का चैन भी छीन लिया था। इसके साथ ही उसकी माँ ने भी वहाँ से जाना ठीक ही समझा। शायद प्रीति के जहन में उबलते सवालों के जवाब उन दोनों के पास या तो थे नहीं या वो देना नहीं चाहते थे, और दोनों ही बातें प्रीति को परेशान किए दे रही थी। आखिर वो पूछती भी तो किससे? तभी किसी नौकर की आवाज आई। माता जी, नियाज आया है। रेवती ने उस नौकर को चुप कराते हुए कहा। धीरे बोलो, प्रीति आ गई है। उसे इस बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मालूम हो कि वो हमारा खानसामा है। इतना कहकर उसने इशारे से नियाज को अंदर आने को कहा, पर प्रीति ने छुपकर सब सुन लिया था। उसने छुपके से देखा तो काफी देर नियाज और रेवती में कुछ बातें होती रहीं, जिनके बारे में इतनी दूर से कुछ भी अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। नियाज ने जब रसोई में काम शुरू कर दिया तो उसके बाद प्रीति ने अपनी माँ रेवती से पूछा कि ये कौन है, तो इस बारे में रेवती ने यही कहा कि नियाज है, ये शादी के बाद से ही हमारे साथ रह रहा है, हमारे खाने पीने का सारा काम यही संभालता है। तुम्हें भी कुछ बनवाना हो तो
इन्हें बता देना। प्रीति काफी देर तक ये सोचती रही कि इनकी जिंदगी में इतने अजीब और भयानक वाकये पेश आ रहे हैं, फिर भी ये इतनी नॉर्मल कैसे हैं। ये चीखें, ये हमारा कब्रों में सोना, ये खूनी सपने, ये सब तो जैसे इनके लिए आम बात लग रही है। आखिर इतनी भयानक जिंदगी होते हुए भी कोई ऐसा अनजानों सा बर्ताव कैसे कर सकता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे लगा इतने बरस विलायत में चैन से बिताने के बाद वो बेकार ही यहां आई। काश ये बात उसे रियासत में घुसने से पहले ही मालूम हो जाती तो वो कभी यहां ना आती। पर हो ना हो, इन सब के पीछे कोई गहरा राज जरूर है। प्रीति को उसके पिता की बात याद आई कि इस रियासत का हर बाशिंदा एक ही सपना देखता है, तो उसने दिन में अपने बंगले से निकलकर कई लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर एक औरत ने बड़े गुस्से में कहा, हमसे क्या पूछती है, अपनी माँ से पूछ, उसके गुनाहों के जवाब हम बेगुनाहों के पास क्या होंगे। इससे पहले कि प्रीति अपनी माँ के बारे में गलत बात करने वाली औरत को कोई जवाब दे, इतना कहकर बुरा सा मुंह बनाते हुए वो औरत भी वहां से चली गई। लगभग शाम के वक्त प्रीति घर पहुंची तो उसने देखा कि नियाज घर के पीछे की तरफ कहीं जा रहा है। प्रीति ने छुपते छुपाते उसका पीछा करने का फैसला किया, सधे कदमों से उसके पीछे चल पड़ी। बंगले के पिछले हिस्से में कोई रास्ता बंगले के नीचे की ओर जा रहा था। उसने देखा नियाज वहीं उतर गया है। कुछ पल रुकने के बाद वो नियाज के पीछे पीछे वहीं उतर गई। लगभग 40-50 सीढ़ी उतरने के बाद उसने देखा कि उस अंधेरे तहखाने के कोने में एक कमरे से लाल टेन की रोशनी आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वहां दो लड़कियां लेटी थीं जिनके सर आपस में जुड़े हुए थे। डर के मारे उसका खून जम गया। ये तो वही लड़कियां थीं जो कल शाम को उसके घर के बाहर खड़ी उसे बुला रही थी। ये यहां तहखाने में बंद क्या कर रही थीं? उस तहखाने में उसके आगे उतरे नियाज का भी कोई नामो निशान नहीं था। उसने देखा कि सामने रखी लालटेन कुछ देर को बुझी और फिर खुद ब खुद ही जल पड़ी। तभी उसके सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और वो बेहोश हो गई। जाने कितना समय निकला होगा, पर जब उसे हल्का सा होश आया तो वो अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ी थी और कोई मर्दाना आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। इसके पांव रोक कर रखें रानी, वरना आज तक जो राज रखा है वो कब हवा हो जाएगा हमें मालूम नहीं चलेगा। वैसे ही रियासत में लोग उल्टी सीधी अटकलें लगाने से बाज नहीं आते। तुम्हारी ये विलायत से पड़ी बेटी सारा भांडा फोड़ कर रख देगी। प्रीति को आधे होश में ऐसा लगा कि हो ना हो कोई उसकी माँ से ही बात कर रहा है। वो समझ गई कि कुछ तो है जो उसकी माँ उससे छुपा रही है। हो ना हो कोई बड़ा राज ही इसके पीछे छिपा है। यहां तहखाने में दिन रात वो लालटेन जलती रहती थी। उस बंगले के नीचे की गुफा में कितना भी अंधेरा हो, पर कोई रूहानी ताकत ही थी जिसके रहते उस लालटेन की लौ खुद ब खुद बार बार जल उठती थी। उस लालटेन में तो सालों से किसी ने तेल भी नहीं डाला था। इसके साथ ही वहां रखी एक काली खोपड़ी का रंग खूनी लाल हो उठता और वो बुरी तरह चीखना शुरू कर देती। लाल हो चुकी उस खोपड़ी से निकलती वो दहला देने वाली चीखें दूर दूर तक सुनाई देती और दूर दूर तक बाहर घूमने वाले अपने घरों में रात भर के लिए दफन हो जाते। कोई और चारा नहीं था। पूरी रियासत के हर घर में कब्र नुमा तहखाने थे। चीखें सुनते ही जिंदा शरीर खुद ही मुर्दों की तरह घर के फर्श के नीचे बनी
अपनी अपनी कब्रों में जाकर लेट जाते और नींद उन्हें अपने पंजों में ऐसे जकड़ लेती जैसे जिंदगी को मौत। पूरी की पूरी रियासत का हर बाशिंदा हर रात पूरी रात एक ही सपना देखता था। उस कपा देने वाले डरावने सपने में सब के सब लोग रात भर अपने घर की दीवारों से, कपड़ों से, अपने आसपास रखी हर चीज़ से खून रिश्ता देखते थे। सपना इतना गहरा हो जाता था कि कुछ लोगों की तो आँखों से भी खून रिसना शुरू हो जाता था, पर इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करता था। डर की ये रिवायत उस रियासत में कई सालों से ऐसे ही चल रही थी। प्रीति इस डर के माहौल में बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर क्या फायदा हुआ उसके वापस आने से, इससे तो वो सात समंदर पार ही अच्छी थी। कम से कम उसके माँ बाप उसके दिल के करीब तो थे। यहाँ इतना लंबा सफर तय कर अपनी माँ का ऐसा रूप देख इस घर में रहने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। इन सब से परेशान होकर उसने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसे अभी ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जानते थे और इतना वो समझती थी कि यहाँ का कानून भी आसानी से किसी अहरे गहरे की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विलायत में रहने की वजह से उसकी अंग्रेज़ी तो अच्छी थी ही। उसने इंटरनेट से देखकर एक फिरंगी न्यूज़ चैनल का नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाया और पुलिस के पास पहुंच गई। उसने बताया कि मीडिया को शक है कि इस हवेली में कुछ गलत हो रहा है। आजकल तो मीडिया के डर से सच का झूठ और झूठ का सच बनने में आखिर कितनी देर लगती है। कितना अच्छा होता कि लोग मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों की जगह प्यार और भाईचारा फैलाने में करते। खैर, उसकी निशानदेही पर पुलिस को कम से कम एक सर्च वारंट तैयार करना पड़ा और अचानक आई इस मुसीबत के लिए रेवती बिल्कुल तैयार नहीं थी। रेड अचानक शाम को पड़ी। तहखाने से नियाज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन बेचारी जिंदा लाशों को उस खौफनाक कैद से छुड़वा लिया गया। मार के डर से नियाज ने सारा राज उगलना शुरू कर दिया। नियाज ने पुलिस को बताया कि रेवती एक बहुत ही चालाक औरत थी। वो कुछ भी करके सारी जायदाद पर अपना कब्जा कर लेना चाहती थी और इसके लिए उसने पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उसने अपने मायके से अपनी माँ के बहकाने पर वो एक खानसामा यानि रसोईया अपने साथ बना कर ले आई थी। कहने को तो मैं सिर्फ एक रसोईया यानि कुक था, पर असल में मैं काले जादू का माहिर हूँ। मेरे कब्जे में ऐसी ऐसी शैतानी ताकतें हैं कि मैं उनसे अपना चाहा हुआ कोई भी काम करवा सकता हूँ। हर रात जब सब सो जाया करते हैं तो मैं अपने असली रूप में आता हूँ। रेवती मुझे रात को तहखाने में बने एक ऐसे छुपे कमरे में पनाह देती थी जिसके बारे में सबको ये ही मालूम था कि वहाँ इस रियासत का एक पुराना शराब बंद है। कुछ लोग इस बारे में जानते थे और कुछ नहीं। बहुत से लोग इस बारे में बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह से शराब के बारे में बात करने से कहीं उन पर ही कोई मुसीबत ना आ पड़े। पर यह श्राप मनीष राज की पहली पत्नी रजनी से जुड़ा था। रेवती के पति और प्रीति के पिता मनीष राज की पहली पत्नी से उनकी दो बेटियां थीं। बदनसीबी आदमी का ओहदा या उसकी जेब में कितने पैसे हैं ये देखकर नहीं आती। बड़े बड़े राजघराने और रजवाड़े जिन जिन बदकिस्मतों का शिकार रहे हैं उनका ब्यौरा देना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह की एक बदनसीबी मनीष राज के परिवार में भी थी। दरअसल मनीष राज की पहली पत्नी रजनी से उनकी दो बेटियां थीं, पर वो दोनों माँ के पेट से ही एक अजीब सी बीमारी का शिकार थीं। उन दोनों बेचारी बच्चियों के सर आपस में जुड़े हुए थे। उस जमाने में विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो हर कोई इस तरह से जुड़े सर वाली लड़कियों को देख यही समझा कि ये कोई पुराना श्राप है या कोई भयानक काला जादू है
जो इस परिवार पर किया गया है। ये बच्चियां दिखने में किसी इंसान की संतान नहीं, बल्कि सीधी नर्क से गिरी दिखती हैं। रेवती की मां का राज परिवार के साथ अच्छा उठना बैठना था, तो उसने रेवती का रिश्ता मनीष राज से कराने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की और इन मासूम बच्चियों को एक तांत्रिक के सहारे तहखाने में एक कमरे में रखवा दिया। साथ ही साथ रजनी के बारे में उल्टी सीधी बातें मनीष राज और उसके परिवार के मन में डाल दी। ये दो बच्चियां क्या पैदा हुई कि रजनी की किस्मत ही फूट गई। हालांकि पहली बार सर जुड़ी बच्चियां देखकर उसके भी होश उड़ गए थे, पर फिर भी औलाद तो औलाद ही होती है। चाहकर भी रजनी को उन बच्चियों से मिलने नहीं दिया जाता था, बल्कि तंग आकर एक दिन रेवती की मां ने मनीष राज से रजनी को कहलवा दिया कि बच्चियां मर चुकी हैं। रजनी का कलेजा ये सुनकर फट पड़ा और उसने बिस्तर पकड़ लिया। इसके बाद उसी तांत्रिक के सहारे रजनी को काले जादू का शिकार बनाया गया और मनीष राज से अपनी बेटी रेवती की शादी का रास्ता उसने साफ कर दिया। राज परिवार में रेवती की शादी होते ही रेवती की मां ने चालाकी से उस तांत्रिक को भी मरवा दिया। यूं तो राज परिवार हमेशा से ही अपनी रियासत की जमीनों का तकाजा करते आए हैं, पर इस बार रेवती ने अपनी मां के सुझाने पर एक किसान को उसका लगान हमेशा के लिए माफ करने का लालच देकर बिन मां की बच्चियों की चौकीदारी पर लगा दिया। ना चाहते हुए भी उस किसान को अपना लगान बचाने के लिए उन बच्चियों का ध्यान रखना पड़ता था। हालांकि पूरी रियासत में यही कहलवाया गया था कि ये बच्चियां मनहूस हैं, पर जब उस किसान ने उन बच्चियों के साथ वक्त बिताना शुरू किया तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि उस किसान के वहां होने के दौरान उन बच्चियों ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिससे लगता कि उनके इरादे शैतानी हैं, बल्कि वो तो इतनी मासूम थी कि उसी तहखाने में, जबकि उन्हें मुश्किल से एक समय का खाना ही दिया जाता था, फिर भी एक दूसरे के साथ खुश रहा करती थी। जिंदगी वैसे भी उनके लिए कम दर्दनाक नहीं थी, पर उन मासूम बच्चियों को जिंदगी से कोई गिला या शिकवा नहीं था। शायद दो वजह से, एक तो उन्होंने उस तहखाने के बाहर की जिंदगी कभी नहीं देखी थी, और दूसरी वो बहुत छोटी थी ये जानने के लिए कि जिंदगी जीने के और भी रास्ते हो सकते हैं। दिन रात वो बेचारी बच्चियां अंधेरे तहखाने में पड़ी रहती, पर वो किसान बार बार उनके लिए तहखाने में रखा लालटेन जलाया करता था। बस आंखों से ही तो वो कुछ ठीक से महसूस कर सकती थी, बोलना तो अभी ठीक से सीखा नहीं था और हाथ पैर उनके धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। जब उस किसान ने उन दो मासूम जिंदगियों को इस तरह कैद में भी हंसता खेलता देखा तो उसका मन परेशान हो उठा। उसने सोचा कि ये मासूम अंधेरे में इतनी खुश हैं तो बाहर उजाले में निकलकर कितनी खुश होंगी। एक रात मौका देख वो मनीष राज के पास पहुंचा और उससे गुजारिश की कि इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है, आप इन्हें तहखाने से निकाल लीजिए। पर मनीष राज इस बात का कोई जवाब दें उससे पहले ही रेवती ने यह सब सुन लिया और उस किसान को चेतावनी दी कि मनीष राज के पास जाकर उसने ठीक नहीं किया। इस पर वो किसान फिर बोला, जमीन से ऊपर की खेती देखना मेरा काम है, पर यह राज घराने की जो खेती जमीन के नीचे तुम दफन कर रही हो ये मैं देख नहीं पाऊंगा। इन दो मासूमों के बचपन को इस तरह सूरज के उजाले से दूर रख तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम लालच में इतनी अंधी हो चुकी हो कि ये भी नहीं देख सकती कि जैसे सूरज की रोशनी ना मिलने से फसल सड़ जाती है, उसी तरह एक तो ये बच्चियां पहले से ही बीमार हैं और अब तहखाने के अंधेरे में पड़ी पड़ी धीरे धीरे अपंग होती जा रही हैं। उनके हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं। अगर जल्दी ही इन्हें किसी वैद्य या हकीम को नहीं दिखलाया गया तो ये बेचारी मर जाएंगी। रेवती के साथ उस किसान को जुबान तराजी करता देख मनीष राज गुस्से से पागल हो उठा और सामने दीवार पर टंगी एक दुधारी तलवार उसने उस किसान की गर्दन से सटा दी। इस पर वो किसान बोला, जिस पर पहले से ही एक दुधारी तलवार लगी हो तुम इस तलवार से उसे क्या डराओगे? एक तरफ किसान होने के नाते मुझे अपनी जमीन का लगान बचाना है
और दूसरी तरफ एक इंसान होते हुए मुझे इन बच्चियों को। मुझे नहीं लगता तुम्हें उन बच्चियों का बाप होते हुए भी उनकी कोई परवाह है। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि यह तुम्हारी पत्नी एक बहुत बुरी औरत है और अपने स्वार्थ के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। उसकी ये बात सुन रेवती गुस्से से पागल हो गई और बोली, तुझे उन बच्चियों के अंधेरे में रहने की बहुत चिंता है, तो जा, आज से तू भी इसी अंधेरे में कैद रह। और इसी के साथ गुस्से से पागल हुई रेवती ने मनीष राज के हाथ से वो दुधारी तलवार छीन उस किसान की दोनों आंखें फोड़ डाली और बोली, ये ले, आज से तू भी उन्हीं बच्चियों के साथ उस तहखाने का कैदी बनकर रहेगा। तेरी जमीन हमारी होगी और वो जेल तेरी। दर्द से कराहते उस किसान ने रेवती के हाथ में पकड़ी वो तलवार सीधे अपने पेट में उतार ली और रेवती से बोला, ठीक है रेवती, तू अपनी ताकत के गुरूर में पागल हो चुकी है और इस हरकत के साथ इंसान होने की अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। तूने आज से मुझे हमेशा के लिए अंधेरों में कैद कर दिया है। आंखें खोलने और बंद करने के लिए मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रह गए। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। याद रख, मैं तो मर रहा हूं, पर आज के बाद तेरे परिवार के साथ साथ इस रियासत में हर आदमी जब अपनी आंख मूंदेगा तो उसे जमीन के नीचे ही होना होगा। अगर आज के बाद इस रियासत का कोई भी बाशिंदा जमीन के ऊपर सोया तो वो उसकी आखिरी नींद होगी। पर जमीन के नीचे सोने वाला भी मेरे श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं होगा। जैसे मेरी आंखें रिसते हुए खून को देखती बंद हो रही हैं, उसी तरह रात को आंख मूंदने वाली हर आंख अपने चारों ओर खून को रिसता देखेगी। और इसके साथ ही उस किसान ने दम तोड़ दिया। रेवती गुस्से से पागल थी। उसने गुस्से में उस किसान की लाश उसी तहखाने में जहां बच्चियां कैद थी वहीं रखवा दी। वो मासूम बच्चियां उस लाश के पास बैठी रहने को मजबूर थीं। पर कहते हैं मरने के बाद भी उस किसान ने उन बच्चियों का ख्याल रखना बंद नहीं किया। आखिर इन्हीं मासूमों के लिए तो उसने अपनी जान दे दी थी और अब तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब तो उस किसान की आत्मा हर तरह से उन बच्चियों का ध्यान रखने लगी। यहां तक कि अभी भी अंधेरे तहखाने में रखी लालटेन रोज खुद ही जल उठती थी। इस पर भी रेवती को संतोष नहीं था। उसने मेरे हाथों उस किसान की आत्मा को कैद कर लेने का हुक्म दिया। मैंने उसकी लाश को भूनकर उसकी खोपड़ी निकलवा ली और उस पर काले इल्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा चलाया काला जादू उस खोपड़ी में नुमाया होने लगा, यानी दिखाई पड़ने लगा, और उस खोपड़ी का रंग काला पड़ता चला गया। किस्मत की मार उन दोनों बहनों पर बदस्तूर यानी लगातार पड़ती रही, पर ऊपर वाले का कर्म कहें या क्या कि उनकी जिंदगी उनके सर से जुड़े शरीरों में अभी भी दौड़ रही थी। पर उनकी उम्र और शरीर बढ़ने के साथ साथ उन पर रेवती के जुल्म भी बढ़ते चले गए। कभी उन्हें दिनों दिन खाना न मिलता तो कभी उन पर कोड़े बरसाए जाते। जब भी उन पर कोई जुल्म होता तो उस तहखाने में रखी वो खोपड़ी काली से लाल हो जाती और बुरी तरह चिल्लाती। उन लड़कियों के सामने कोई इंसानी बातचीत नहीं होती थी तो बात करना भी सीख नहीं पाई। आज भी वो यही समझती थीं कि ये दर्द उनकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, पर उस किसान की आत्मा उनका दर्द नहीं झेल पाती थी। काली से लाल हो चुकी उसकी खोपड़ी चिल्ला चिल्ला कर उन बच्चियों को बचाने की गुहार लगाती थी। अपनी पहली सांस से आज तक तहखाने में पड़े रहने से उन बच्चियों में धीरे धीरे अजीब सी ताकत आ गई थी। भले ही वो दिन रात दर्द में डूबी रहती थी, पर जिंदगी जीने की उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि उन्हें रात को अपने शरीर से बाहर निकलकर घूमने फिरने की ताकत मिल गई थी। उनके शरीर वहीं पड़े रहते और वो दोनों अपने शरीरों से निकलकर रात भर बाहर घूमती। रात में तो पूरा इलाका सुनसान ही होता था, पर फिर भी वो यहाँ वहाँ घूमकर अपना दिल बहलाती थी और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उनकी आत्माएं
वापस अपने शरीरों में आ जाती थी। नियाज के इस बयान और तहखाने में मिले सबूतों के बाद किसी को कोई शक नहीं था। इसके साथ ही प्रीति ने अपनी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी और अफसोस जाहिर किया कि वो ऐसे घिनौने माँ बाप की बेटी है। पुलिस ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और अगले दिन के तो क्या अगले कई हफ्तों के टीवी रिपोर्ट्स और अखबार इस बेरहम खबर से भरे पड़े थे। प्रीति को अपनी बहनों के साथ बीती अनहोनी का इतना अफसोस था कि उसने पुलिस से उन दोनों को अपने साथ वापस विलायत ले जाने की परमिशन मांगी और इनका इलाज विलायत में शुरू करवा दिया। रेवती, मनीष और नियाज के कर्मों का फल वो आज भी हवालात की चार दीवारी में काट रहे हैं। प्रीति की दोनों बहनों के सर ऑपरेशन से अलग कर दिए गए हैं और आज वो खुली हवा में सांस ले रही हैं। उम्मीद है इसके साथ ही उस किसान और रेवती की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।